सर सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू। और फिल्म आते ही टीजर को काफी प्यार मिल रहा है, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं टीजर को। मैं भी देखा टीजर, मेरे को बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। कहना चाहोगे किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आपको फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से? आई एम ग्लैड। जो मैंने फिल्म का स्वरूप अपने मन में सोचा था वो फिल्म में आया है, और टीज़र भी बिल्कुल उसका एक प्रेसी या सिनॉप्सिस ही है। तो कहानी का जो मेन सूत्र है वो लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है जो कई दिलों को छूती है, तो इसीलिए लोग इसको अच्छा पसंद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि फिल्म को और भी पसंद करेंगे। जैसे शिमला का काफी शिमला का सीन भी है। एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, स्टोरी को बनाने में कितना टाइम लगा आपके लिए, बताना चाहोगे? हाँ, ये कहानी मैंने लिखी थी अगस्त 2021 में। ज़्यादा समय नहीं लिखा, मन में बनी हुई थी कहानी, तो भरी होता है इंसान के दिमाग में। जब एक बार लिखना शुरू किया तो 20-22 दिन में ये कहानी लिख डाली थी, और ज़्यादा इसको मुझे चेंज भी नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे लोगों को सुनाई तो लोग जुड़ते गए साथ में, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, और इवन क्योंकि मैं पहली बार फिल्म बना रहा था तो इवन द प्रोडक्शन एंड डायरेक्टोरियल टीम, ऑल द अदर टेक्नीशियंस, सिनेमाटोग्राफर वगैरह, तो मेरे साथ कहानी की वजह से सब लोग जुड़े। उनको लगा कि ये कहानी बहुत सुंदर है और इसको बताने में, दर्शाने में बहुत मज़ा आएगा, तो इसीलिए मेरी टीम मेरे साथ एकजुट होके। मेरा तो अदरवाइज कोई बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री का था नहीं, तो इट वॉज द कॉमन बॉन्ड फॉर द एंटायर टीम टू कोलैबोरेट एंड प्रेजेंट दिस स्टोरी विच दे थॉट वॉज ब्यूटिफुल, एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। दिस स्टोरी हैज बीन प्रेजेंटेड वेरी ब्यूटिफुली। पहली बार आप डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर पहली बार काम किया आप? जी हाँ। किस तरह, कितना इजी और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, बताना चाहूँगा? देखिए, ऐसा है कि आई एम अ सीनियर सिटीजन, क्वाइट सीजन इन माई लाइफ, हैव डन मैनी मैनी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन इंडस्ट्री, इन बिजनेस, इन ट्रेड। तो द मेन थिंग इन माई माइंड वॉज टू असेंबल अ गुड टीम टूगेदर, बिकॉज इट्स अ टीम एंड अ क्रिएटिव टीम, पीपल हु कुड वर्क एंड थिंक अलॉन्ग। तो मैं उसमें बहुत लकी रहा, मुझे अपने साथ एक बहुत अच्छी टीम मिल गई टू बिगिन विथ। और इवन दो आई मे बी शॉर्ट ऑफ द एग्जैक्ट स्किल्स रिलेटिंग टू सिनेमा, बट एज अ स्टोरी, एज ए नरेशन, एज अ द कैरेक्टर्स, द सिचुएशन, इट वॉज ऑल इनग्रेन्ड वेरी वेल इन मी। एंड मेरे को शुरू से ही बचपन से डायरेक्शन का और थिएटर का शौक था, तो आई कुड कम्युनिकेट वेरी वेल विद माई एक्टर्स एंड दे ब्रॉट आउट रियल गुड परफॉर्मेंसेस। और इस फिल्म में मुझको मेरे क्रेडिट, मतलब जो मेरे एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत प्यार किया। वो उन्होंने बल्कि मेरे को यहाँ तक कहा कि सर, हमने इतनी फिल्मों में काम किया है, जिस तरह से आप हमको प्रेरित करे हैं, जिस तरह से आप हमको बैक स्टोरी में पूरा हमको नक्शा बना के दिया है दिल में कैरेक्टर के बारे में, आई थिंक प्रॉब्ली इन द इंडस्ट्री द एक्टर्स एज वेल एज द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स डोंट गो सो मच इन टू एक्सप्लेनिंग द बैक स्टोरी। बींग अ थिएटर पर्सन, दैट एक्सपीरियंस एंड दैट वे ऑफ डूइंग थिंग्स हेल्प मी वेरी मच। मैं बात करूँ लीड एक्टर की, तो गौरी जी आपसे किस तरह से मुलाकात हुई आपकी, गौरी जी से? हाँ, किस तरह से उनको ही क्यों आप चुने? यस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं जो देख रहा था कि मेरी जो लीडिंग लेडी है वो शी इज़ ऑफ एज 45-46 एंड शी इज़ अ मदर। आई डिड हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद मैनी गुड एक्ट्रेसेस, वेल नोन एक्ट्रेसेस, हु वुड नॉट एक्सेप्ट ए रोल इन अ मदर्स कैरेक्टर बिकॉज दे थॉट दैट स्टिल दे आर गेटिंग business or their you know roles as an individual, as a lady, but not as a mother. So I then started looking for, maine kaha ki shayad somebody who needs a comeback or a break or a somebody who's well known actress who can deliver this role but may not be so much so mere casting agent ne jab Gauri ji ka mere ko pehli bar dikhaya, to of course everybody knows Gauri since the old times. So it struck me that she looks the role, and of course she's a very fine actress, you know that, and she's been able to nuance the performance so well.
और मुझे अब तो ये लगता है, मैंने उस दिन आपके सामने ये भी कहा था कि आप ही बताइए कि इस रोल को इतना अच्छा गौरी के अलावा और कौन कर सकता था. वॉट एलिगेंस, शी इज़ गॉट अ पर्सनैलिटी, शी इज़ और जो मेरी जो एक्ट्रेस है वो भी बहुत, मतलब माई कैरेक्टर इज़ वेरी डिग्निफाइड इन हर वे ऑफ लाइफ, इन हर शी इज़ अ सोशल लेडी, शी इज़ अ लेडी ऑफ पीपल रिस्पेक्ट हर, शी इज़ वेरी हॉस्पिटेबल, शी इज़ अ वाइफ ऑफ द DIG. एक अलग ही डिग्निटी होती है, एक समाज में अलग ही स्थान है उनका. और अंदर से वो उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स और डायलेमास और उसके जो मन में उधेड़ बुन थी, वो उस सामाजिक स्टेटस में होते वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाई है. शी इज़ अ वेरी फाइन इन डेप्थ एक्ट्रेस. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने बहुत स्टडी किया परफॉर्मेंस. इट इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस जैसे मेनी एक्टर्स कम एंड दे आर नेचुरल एंड दे डू वेल. गौरी थॉट अबाउट इट एंड दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद अ पर्सन हु सीरियसली इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ गुड कमबैक. कि एक्टर बड़ा स्टडीड होता है. तो गौरी जी से मुझे हर तरह का, शी केम टू मी एज अ गॉड्स गिफ्ट एंड आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद हर. शी इज़ डन एंड डिलीवर्ड ऑफ वॉट आई इमेजिन माई कैरेक्टर टू बी. That's the main thing. साथी में ये जानना चाहूँगा गौरी जी का किस तरह का किरदार था, उनके किरदार के बारे में कुछ आप. हाँ देखिए, गौरी जी इज रिप्रेजेंटिंग द ओल्डर वर्जन ऑफ ए यंग वुमन. दिस यंग वुमन वॉज वेरी फुल ऑफ लाइफ, बहुत ही जीवन के प्रति उसको आकर्षण था, एडवेंचरस थी, हर चीज़ को ट्राई करना चाहती थी. मतलब शी वॉज फुल ऑफ लाइफ, effervescent, very sprightly, very very much wanting to do everything, to be the first to do things. इतना initiative वाली लड़की थी. तो जब उसका जिससे प्यार होता है young age में, उसके साथ परिस्थितियों की वजह से मुनासिब नहीं हो पाता कि वो उसकी partner बन जाए. कुछ हमारी समाज की कुछ या परिवार की ऐसी सिचुएशन दिखाई है पेट्रियार्कल सोसाइटी की, वो उसका विवाह उसके साथ नहीं हो पाता और वो दोनों उनके रास्ते अलग हो जाते हैं. ये लड़का अपने जीवन में जो बनना चाहता था, करना चाहता था, बहुत सीरियस था, फिलोसोफर टाइप बंदा था, बहुत बड़ा स्कॉलर बन जाता है. लेकिन गौरी जो है अंदर से बुझ जाती है, ये जो लड़की है अंदर से बुझ जाती है. जीवन के सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मर्यादाएँ पूरी कर रही है लेकिन अंदर से खुशी मात्र कुछ नहीं है उसके दिल में. और जो उसको पार्टनर मिला है वो बिल्कुल ही उसके जो सपने थे, उसके जो ज़िंदगी का जीने का तरीका था उसके विरुद्ध है. और वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसके अंदर सारी क्रिएटिविटी उसकी धीरे धीरे सुप्त हो जाती है. और फिर 20-25 साल बाद ये दोबारा इसके जीवन में आता है अचानक. और जब वो आता है तो ये लेडी को ये लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से एक सतह पर आई है, सब ठीक चल रहा है, परिवार है, DIG की वाइफ है, समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, उसकी एक आइडेंटिटी है. तो वो उसको अब रिस्क नहीं करना चाहती. तो पहली बार मिलती है तो उसको वो पहचानने से भी इनकार कर देती है. लेकिन धीरे धीरे उनका अंदर की जो अंदर का जो बॉन्ड था, जो अंदर की जो शेयरिंग थी, जो उनकी यादें थी, वो धीरे धीरे करीब दोस्त की तरह एक दोस्ती में करीब आते हैं. लेकिन दुनिया तो दुनिया है, वो तो उसी ढंग से देखती है. तो उसकी लड़की गौरी की एक बेटी है, वो भी उस वक्त, मतलब गौरी कैरेक्टर है, मतलब उसका नाम वैदेही है फिल्म में. तो उनकी जो बेटी है वो अब उस उम्र में है जिस उम्र में वो थी. उसके भी एक किसी लड़के से कोई एक 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 लंबा रिलेशन चल रहा है. एंड शी इज़ वेरी क्लियर दैट ही इज़ द बॉय फॉर मी. और गौरी मतलब वैदेही ने लाइफ में देखा था कि इतनी आसानी से चीज़ें मिलती नहीं हैं. तो वो अपनी बेटी को यह तक वादा करती है कि मैं तेरा हर तरह से कोशिश करूंगी कि तुझे तेरे जो सपने हैं वो पूरे हों. तो एक तरह से वो अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए फिर जीवन में अपना एक एसर्ट करती है वापस अपने परिवार में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है. तो बिकॉज हर लव गॉट डिस्ट्रॉयड, शी ट्राइज टू हेल्प हर डॉटर फाइंड हर लव. एंड उधर ये जो हमारा हीरो है उसकी भी एक डॉटर इन लॉ है, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाती है कि ये पापा के साथ क्या हो रहा है. वो उसको एहसास हो जाता है, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं कि हम जो मिले तो कौन थे, कहाँ थे, क्या बैकग्राउंड था. तो बट शी इज़ अ सेंसिबल लेडी दिस डॉटर इन लॉ, शी अंडरस्टैंड.
तो ये भी बहुत एक खूबसूरत अंदाज है फिल्म के अंदर कि किस तरह से परिवार वाले भी एक समझ पाते हैं। जैसे डॉटर अपनी माँ को बोलती है आई थिंक आई नो वाई यू लाइक हिम, मतलब कि वो है ही आदमी, वो आदमी है ही इतना अट्रैक्टिव, वो आदमी है ही इतना बातों में और अपने विचारों में और अपने प्रेजेंटेशन में ही इतना बेहतरीन आदमी है, तो आप क्या, मैं भी पसंद करती हूँ उसको। तो एक वो भी बॉन्डिंग है, मदर डॉटर बॉन्डिंग है। तो ये कहानी ये है कि धीरे धीरे वो एकदम बुझ जाती है और फिर इसके आने से उसके जीवन में दोबारा एक तपिश आती है, जीने को चाह आती है, उसको पता लगता है कि मैं क्यों एक गर्त में चली गई थी। और ये थोड़ा सा उसको समझाता है कि तुम्हारे अंदर जो बीज मंत्र है ना, जो तुम थी, वो अभी भी मंत्र तुम्हारे अंदर है, वो बीज कहीं गया नहीं है, तुमको थोड़ा सा उसको नर्चर करना है, थोड़ा खुद भी बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो इधर उसकी बेटी भी बड़ी हो गई, वो भी उसको आगे इनकरेज करती है, मॉरली सपोर्ट करती है। तो उसके साथ फिर क्या होता है, कैसे उसका बदला रूप होता है, और पूरा प्लॉट है, पूरा इंट्रीग है, कुछ थोड़ी सी इसमें कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट है ऑडियंस के साथ में कि कहानी में अब किस मोड पे अब क्या होने वाला है। तो जो एक फिल्म के अंदर इंट्रीग एंड एंटरटेनमेंट एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इन द प्लॉट। वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स हु हैव बीन स्केच्ड फ्रॉम रियल लाइफ, पीपल विद रियल फीलिंग्स, पीपल। और जो फिल्म के जो मेंटल डायलेमास भी बहुत महीन है, दे आर नॉट वेरी, जैसे डायलेमा एक सोच, एक विचार, जो इधर भी सही है उधर भी सही है, तो क्या सही है, क्या करना चाहिए, आदमी के अंदर मन में बहुत खिंचाव तनाव होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो खिंचाव तनाव जो है हमारे कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह लेके आए। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट वेरी डीप फीलिंग्स, वेरी ट्रू फीलिंग्स। तो मैं जैसे कहा कि ये एक इट्स ए टेल ऑफ क्लासिक लव। अब क्लासिक लव को जैसे मैं उनको पूछते जाते हैं, व्हाट डू मीन बाय क्लासिक लव, क्लासिक देखिए लव की जो एक ट्रांजैक्शनल नेचर है लव की, और एक बड़ी पेरिफेरल होती है, उसकी याद भी थोड़ी समय रहती है। लव के कई, इंटीमेसी के कई रूप हैं, फिजिकल इंटीमेसी है, 30-40-45 साल बाद तो ध्यान भी नहीं रहता उसका, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो गरमाइश, वो एक्साइटमेंट, इतनी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद इतनी पड़ते पड़ जाती है कि वो दैट इज़ नॉट द मेन हुक ऑफ योर विद दैट पर्सन। इमोशनल ड्रामा, लाइफ इज़ बीन फुल ऑफ ऑल दैट, दैट ऑल्सो इज स्लोली फेडिंग एंड फॉरगॉटन। वॉट रिमेन्स इज दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट, जब वो दो पल तीन पल जब आपको लगा कि आप दोनों एक ही भगवान की बनाई हुई, और यू कनेक्ट एट अ लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एकदम ऐसा एहसास होता है कि यार यू एंड मी आर टुगेदर। तो वो दो चार मोमेंट्स किसी के साथ जो गुजरे या बीते होते हैं, वो परमानेंट चीज़ें हैं। द स्पिरिचुअल कनेक्ट दैट यू गेट थ्रू लव इज़ द मोर परमानेंट थिंग। और जब ये चीज़ किसी को प्राप्त होती है या अनुभूति होती है, तो ये बाकी चीज़ें जो हैं पेरिफेरल हैं, ट्रांजैक्शनल हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता। यू बिकम फॉर ईच अदर। इसीलिए क्लासिक लव में सेक्रीफाइस है, यर्निंग है, सेपरेशन है, एक दूसरे से कि तन्हाई में भी एक दूसरे को याद करते हैं। और उनका जो ऐसा नहीं है जैसे आज के इन मॉडर्न डे लाइफ, एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, और लड़की अगर 6 महीने 8 महीने साल के लिए बाहर पढ़ने चली गई, उसे कोई और मिल गया, और इतना लंबा डिस्टेंस हो गया, भैया डिस्टेंट लव इज़ नॉट पॉसिबल। बट जो पुराने जो आपने क्लासिक लव स्टोरीज हैं, शीरी फरहाद और रोमियो जूलियट, दे आर देयर फॉर एवर फॉर ईच अदर। तो इसमें आप जब एक दूसरे से जब दोबारा मिलते हैं, तो दे आर इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ। इन सच सर्कमस्टेंसेज यू कैनॉट गो एंड क्लेम कि भाई मैं तुम्हारे साथ था, तुम मेरी थी, मैं तुम्हारा था, तो अब हम अपना एक नया रास्ता बना लें या साथ चलें, नॉट पॉसिबल। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज लव, रिस्पेक्ट, केयर, एंड विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर यू दैट मेक्स यू हैप्पी, बट नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ, नॉट कम एंड कम बैक एंड डिस्टर्ब एंड क्रिएट अनहैप्पीनेस और इंस्टेबिलिटी बैक इन योर लाइफ। सो फ्रॉम अ डिस्टेंस इटसेल्फ यू, सो इट्स अ वेरी रिफाइंड एक्सप्रेशन ऑफ लव, एंड देर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप, देर इज नो क्लेमिंग ऑन द अदर पर्सन, बट देर इज़ एवरी थॉट ऑफ वेलबींग फॉर द अदर पर्सन। और ये एक बहुत ही डिग्निफाइड रिलेशनशिप है, कई एक्सिस में भी होता है। जब आपने जीवन के इतने समय आपने सुख के साथ जिए हैं, प्यार में जिए हैं, तो अब अलग अलग हो गए, तो एक दूसरे की अवस्थाएं हैं,
तो व्हाई कांट यू स्टिल बी विद रिस्पेक्टफुल एंड विद लव एंड विद अफेक्शन. देयर नीड नॉट बी रैंकर और सेंस ऑफ बैड फीलिंग, नो नीड. तो हमारा एक्टर भी ऐसा ही है, जो मतलब हीरो है हमारा, वो भी बहुत स्पिरिचुअली अचीव्ड पर्सन है. ही इज अ स्कॉलर हु इज टीचिंग वैदिक मैनेजमेंट टू इंडियन सोसाइटी एंड ही इज फाउंड दैट दुनिया के जितने भी कलह कलेश और दुनिया की समस्याएं हैं वो सभी का एक सोल्यूशन है द वैदिक वे ऑफ लिविंग. सो ही इज प्रोपोगेटिंग एज अ स्कॉलर इंडियन वैदिक थॉट इन मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज कम्युनिटीज, हाउ टू मैनेज सोसाइटी, हाउ टू मैनेज नेशंस, हाउ टू मैनेज कॉरपोरेशंस. वैदिक मैनेजमेंट, शुभ लाभ, लाभ करो, शुभ लाभ करो, तो गलत काम मत करो, एथिकल सोसाइटी को आगे कंस्ट्रक्टिवली और क्रिएटिवली आगे बढ़ाओ, ग्रीड का कोई स्कोप नहीं है. बट इस तरह से मतलब हाउ टू डेवलप गुडनेस फॉर मैनकाइंड, दैट इज द पर्पज ऑफ सोसाइटी, नॉट मेक प्रॉफिट्स फॉर योर सेल्फ. तो ये वो वैदिक मैनेजमेंट का वो सिखा रहा है. तो जब वो इस लेक्चर सर्किट में घूमता घूमता शिमला जाता है तो ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है. यंगस्टर्स लाइक हिज टॉक्स, हिज स्पीचेस, हिज आर्टिकल्स, हिज बुक्स, तो दे कम टू वॉच ए प्रोग्राम दैट ही इज डूइंग देयर इन टाउन. द मदर कम्स अलोंग, बेटी कहती है मम्मी बहुत इंटरेस्टिंग है चलो. तो माँ वहाँ आके देखती है तो वही है. एंड हाउ फार दिस मैन हैज डेवलप्ड इन हिज scholarly vision, in his thoughts, in his the way he's become an authority in the subject, much respected. और ये बिचारी उतनी ही क्रिएटिव, बल्कि उससे ज़्यादा क्रिएटिव थी. ये एकदम बुझ गई एकदम. तो जब दोबारा से एक मिलते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तो दिस इज़ अ स्टोरी विच आई ऑल्सो फील दैट इसी. मैं इसको स्टोरी भी नहीं कह सकता, ये मैंने बताने की कोशिश करी है कि इट्स अ टेल जिसे एक मियान कहते हैं, कि कहानी एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बिगिनिंग मिडिल एंड नहीं है. ये कहानी कभी तेज़ हो जाती है, कभी रुक जाती है, कभी थम जाती है, कभी स्थिर हो जाती है, कभी एकदम पलट मारती है, कभी इधर निकल जाती है, कभी उधर निकल जाती है. तो कहानी की जैसे अपनी ही एक जीव आत्मा है उस कहानी के अंदर. तो दिस इज़ अ टेल, ए यान, विच देर इज़ अ अनप्रिडिक्टेबिलिटी अबाउट इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. Even here, the audience will find it difficult to initially assess whether it's a thriller, it's a mystery, it's a crime, or it's a love story. But actually, it's a love story. साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस मूवी का जो टाइटल है, हाँ, वो टाइटल कहाँ से निकल के आया? कहानी में एक तो सर्दी है थोड़ी सी, और मुझे ऐसा लगता कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें जब सुनाते वक्त या बताते वक्त, जैसे आप समझिए कि एक फायर साइड के पास बैठे हैं, कोई कहानी बता रहा है किसी को, तो लंबी शाम है, कहानी चल रही है, कोई आपको भी जल्दी नहीं है, सिनेमा हॉल में 3 घंटे में इसको ख़त्म होना ज़रूरी नहीं. तो एक टेल है, चल रही है कहानी, और कहानी में सर्दी है, थोड़ी देरी ठंड है कहानी में. तो ए विंटर टेल, क्योंकि मैं एक यान बताना चाहता, एक कहानी नहीं है, इट्स अ यान, इट्स अ टेल. तो विंटर टेल, और क्योंकि कहानी घटित शिमला में हो रही है, और मैं शिमला में करना चाहता था इसको, क्योंकि आई थॉट विंटर टेल का बैकग्राउंड मुझे शिमला में मिलेगा. सिर्फ ये हुआ कि कहानी तो हम जनवरी में शूट करना चाहते थे, कोविड था 2022 के बिगिनिंग में, तो फरवरी में ही शुरू कर सके. थोड़ा सा वो ठंड का प्रकोप उतना नहीं दिखा पाया जितना चाहता था, बट स्टिल इट्स गिविंग द फीलिंग्स. शिमला इज़ अ ब्यूटिफुल बैकग्राउंड फॉर एनी फिल्म. जैसे कि शिमला में पूरी शूटिंग, खास करके शिमला में हुई है, हाँ पूरी शूटिंग, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उस लोकेशन को लेके, कितना एंजॉय कर पाए आप? अरे बहुत मजा आया. कि एक तो मैंने तो जो भी सुना था कि ये लोग फिल्मी प्रकार के लोग ऐसे ऐसे होते हैं, आपको ये डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर ये डिफिकल्टी, एक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ. सब मेरे दोस्त भाई बंदी परिवार की तरह वहाँ रहे मेरे साथ, एक्टर्स बहुत दिल से जुड़ गए मेरे साथ. मेरे साथ जितने भी मेरे टीम के आर्ट डायरेक्टर और जो अदर एसोसिएट डायरेक्टर्स, दे वर लाइक यू नो वी वर मेकिंग अ स्टोरी टुगेदर. तो मैं तो ये कहूँगा कि आई ओ टू ईच वन ऑफ देम कि उन्होंने इतना निस्वार्थ मेरे साथ काम किया, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट में और कहानी में पूरा विश्वास था. वो कहने लगे योगेश जी आप जो कर रहे हो तो हम तो हमारा तो कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. आई हैव मेड दिस फिल्म एंटायरली आउट ऑफ माई रिटायरमेंट फंड्स,
मैंने ये फिल्म के लिए, मेरे पास समय भी नहीं था कि जो के पास जाता, अपना प्रोजेक्ट समझाता, पैसा किसी से बोरो करता। मैंने तो सब करना ही, यार ये कहानी मुझे बनानी है और कोई चारा भी नहीं है, कोई और तो बनाएगा नहीं, ये तो कहानी मेरी है, मुझे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं अपना ही लगाता हूँ इसमें। और भगवान की कृपा से मैंने लाइफ में इतने बड़े बड़े काम किए हैं एज इन माई कॉर्पोरेट लाइफ। मुझे ये था कि चीज़ अच्छी बन जाएगी तो चलेगी, वाई नॉट। आई हैव दिस बेसिक कॉन्फिडेंस दैट इफ यू मेक अ गुड प्रोडक्ट, बट नाउ आई एम इन द सेकेंड स्टेप, हाउ टू टेक इट टू द मार्केट, तो आई हैव टू टॉक अबाउट इट। वो तो ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आई एम ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज बिग एंड लार्ज दैट दिस इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी, ए स्टोरी दैट ईच वन पर्सन इन लाइफ वुड आइडेंटिफाई विद अ लॉन्ग लॉस्ट लव, जिसकी भीनी भीनी याद अभी भी दिल में समा के रखी है, लेकिन आप किसको बताते भी नहीं हो। आप अपने जीवन में अच्छे हैं, आप मे बी कोई बहुत बड़े लॉयर हैं, कोई सेठ हैं, कोई बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बड़े एक्टर हैं, लेकिन एक छोटी सी याद की दिल के कोने में छुपा के रखी हुई है किसी के बारे में, जो वो इंटरफेयर और डिस्टर्ब भी नहीं करते किसी को, वो सिर्फ आपके लिए है। और जस्ट इमेजिन जो याद, जो तस्वीर आपके दिल में, वो कभी आपको दोबारा मिल जाए तो क्या होगा। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही उसका बर्ताव होगा, वैसा ही उसका रिस्पॉन्स होगा। वो तो आप अपनी ज़िंदगी में कहीं और हैं, आप किसी और ज़िंदगी में कहीं और हैं, तो फिर भी जो प्यार की जो एहसास है, जो जो एक दूसरे के प्रति गुड गुड वाइब्स हैं, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति सेल्फलेस विचार हैं, वो जो एक दूसरे के प्रति, वो तो हैं। और इस फिल्म में वही ग्रेशियसनेस है, लव की क्या ग्रेशियसनेस है, निस्वार्थ बिल्कुल होता है। फिर आप ये नहीं सोचते कि मेरे को इसमें क्या मिलने वाला है। समटाइम्स देर आर पीपल इन लाइफ यू वॉन्ट डू थिंग्स फॉर देम and not hope to get things from them. और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, इंद्रनील से आप, इंद्रनील जो का वो भी इंद्रनील जो कास्ट है, उनके बारे में किस तरह से उनसे मुलाकात हुई आप? हाँ, इंद्रनील जी के साथ ये था कि अगेन इट वॉज आई हैड द कैरेक्टर वेरी क्लियर, आई वॉज कास्टिंग फॉर द कैरेक्टर, आई वॉज नॉट कास्टिंग फॉर नोन फेसिज एंड ऑल। हूएवर आई फेल्ट इंस्पायर्ड कि इसके फेस, लुक, पर्सनैलिटी इसके अंदर है, वो जो वाइब मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इंद्रनील की पर्सनैलिटी बहुत अलग है कम्पेयर टू द हीरो और प्रोटैगनिस्ट और एनी सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ए पर्सन हु इज़ क्वाइटली डिग्निफाइड, ये बहुत, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस ट्रेट आउट इन द वर्ल्ड, क्वाइट डिग्निटी ऑफ लिविंग, वो आजकल बहुत कम है। कोई छूछां से जी रहा है, कोई बहुत ही कोई, मतलब पीपल आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वे। ये आदमी बहुत सहज, बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझा हुआ आदमी है, बहुत विचार करता है, बहुत सोच के स्कॉलर है, और जब किसी से बात करता है तो इसका ये बिल्कुल भी इसके दिल में ये नहीं है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो मैं इसका बदला लूँ। परेशान होता है, सोचता है क्यों हुआ, लेकिन कभी भी ये इंस्पिरेशन नहीं आती। तो एंड में दिखाया भी यही है, ये कौन से रिवेंज वाली फीलिंग या एक एंगर वाली फीलिंग, नो नीड, ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो ये इस तरह का कैरेक्टर आजकल आपको देखने को मिलेगा। हम जैसे वो देवानंद का था ना, मैं वो हर गम धुएं में उड़ाता चला गया, ऐसा बेपरवाह आदमी है, ऐसा बहुत ही प्यारा स्टोरी है। फैंस से भी बहुत ही प्यार मिल रहा है इस मूवी को लेके, क्या कुछ कहना चाहोगे फैंस के बारे में जो इतना प्यार दे रहे हैं? ओह, आई डोंट हैव एनी फैंस, बट येस, मेरे को जो भी मेरे साथ जुड़ता जा रहा है इस अभियान में, इस फिल्म बनाने में, और जब वो कहानी के बारे में सुनता है, वो देखता है कि कहानी उसको छूती है, उसके जीवन में भी कुछ कनेक्ट है उस स्टोरी के साथ, और जिस इमोशन से, पैशन से, जिस लगन से हमने बनाई है कहानी, जितने भी लोग इसमें जुड़े सब बहुत क्रिएटिवली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। दे मे हैव डन मैनी फिल्म बिफोर, लेकिन कम से कम 10 या 12 लोग ऐसे हैं जिनका भाग्य इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने फिल्में पहले की हैं, लेकिन उनको लगता है ये फिल्म टर्निंग पॉइंट देगी, वो उनका ट्रू आर्टिस्ट इस फिल्म में नज़र आएगा। ऐसी ऐसी जब 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 10-12 लोगों की किस्मत जुड़ जाए साथ में, तो भगवान अच्छा ही करेगा, आई एम श्योर। तो लॉट ऑफ पीपल, सो नन ऑफ माई एक्टर्स एंड नन ऑफ माई कोलीग्स इन द प्रोडक्शन एंड टेक्निकल एंड डायरेक्शन डिपार्टमेंट were doing it as a commercial venture. We were doing it as a beautiful story to be told nicely and perfectly.
तो ऐसा नहीं है कमियां नहीं होंगी, पहली बार फिल्म बनाई है, कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ टेक्निकल इश्यूज की हो सकते हैं, बट इट्स अ वेरी सिंसियर फिल्म जिसने भी देखी है। मैं मेरे तो बॉम्बे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इससे पहले फॉर 63 years ऑफ माई लाइफ आई हैड नथिंग टू डू विद फिल्म्स, नथिंग एट ऑल टू डू विद फिल्म्स। तो मन में आया कि नहीं, इस कहानी को दिखाना है, बताना है, तो वो फिल्म। कुछ मेरे दोस्त यार हैं जो बचपन में थिएटर करते थे साथ में, वो बॉम्बे में आके अच्छे, लेकिन उनसे भी मैंने कोई, उनका गुड विशेज मेरे साथ रही, लेकिन आई डिड नॉट गेट देम टुगेदर, आई डिड इट ऑल ऑन माई ओन। एंड लॉट ऑफ गुड पीपल हैव इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म गिवन मी द फीडबैक कि बहुत बढ़िया चीज़ बन रही है, ऑनेस्टली। आने वाले समय में क्या और भी आपकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? अब मेरे दिल में ये है कि देखिए, ऐसा है कि सिंस आई हैव टेकन द चैलेंज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट एट माय ओन फाइनेंसेस, आई हैव टू सस्टेन माय फॉर माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पॉसिबल होगा जो मेरे दिल में और मेरे अंदर भरा पड़ा हुआ, आई एम रियली बर्स्टिंग विद द थॉट्स, द स्टोरी, आई हैव इट वेरी क्लियर इन माय माइंड व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट, बट इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन what are the results of this. If the results are good, then the innings will be on. If the results are not good, maybe then I will get confined to writing stories. Production may not be. But I do feel confident ki, kyunki jinhone bhi dekha hai, thousands of people have seen it in the process of making, in the studios, people whom I have respect and I have shown it to them, my theatre colleagues, they all feel that it's in a different league, this story, the way the it's a classic love story told in a modern metaphor, in a very modern cinematic style. So there is a classicness about the films, jaise jo 80-90 ki purani picture hoti thi jisme sahaj sahaj kahani aage khulti thi, badhti thi. Aajkal to on the edge stories hain, thriller type hain. To dono ka ek jo combination bana hai ki there is a classic element coming in and there is that modern cinematic kind of meter going on. I think this is a very nice blend. Thank you sir, aapne apna kimti samay hame diya, iske liye bahut bahut dhanyawad. Thank you so much, I have enjoyed talking to you. God bless you. Thank you.